हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 1 अगस्त को बकरीद है, त्योहार मनाने की आजादी की मांग हो रही है, पर कोरोना की वजह से पाबंदी है, ऐसे में विवाद हो रहा है। ये है हाजी रिजवान, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक। कोरोना से न डरते हुए त्योहार मनाने के नाम पर साप्ताहिक लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। हमने ये मांग भी की है कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। मुरादाबाद से ही समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने भी नमाज के लिए ईदगाह को खोलने की मांग की है। ईद का त्योहार सर पर है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि अब परेशानी नहीं होगी। जानवर की खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। ईदगाह अभी तक सील है और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है, उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने की वादा कराया। इन सब के बीच ईद मनाने को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान है, जिसमें वो किसी भी कीमत पर ईद ना मनाने देने की बात कर रहे हैं। लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। और शराब जो है बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल कम से कम करें, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे। इससे पहले समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बकरीद में सामूहिक नमाज की इजाजत मांगी थी।